हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज गुरु जी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, केवीएस एडमिशन 2022 और 23, आज अभी 26 अप्रैल 2022 ठीक है। तो एडमिशन न्यू सर्कुलर यानी नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं भाई केवीएस ने। एमपी समेत कई कोटे हुए कैंसिल और क्लास जो पहली है उसका जो रिजल्ट है वो क्यों लेट चल रहा है, तो इस पर पूरी चर्चा होने वाली है इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही के बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल ऑर्डर है वो डाउनलोड किया हुआ है केवीएस की जो वेबसाइट है वहाँ से। इसमें क्या है, आपका जो स्पेशल प्रोविज़न वाला जो मेन पॉइंट आपको वो रहेगा, बाकी जनरल जो गाइडलाइन है आपके जो दिशा निर्देश है एडमिशन के लिए वो अब बाकी आप सभी को पता है। इसमें से थोड़ा बहुत कुछ चेंज किया गया और ये आप एज दे सकते हैं ठीक है। कक्षा वन के लिए 6 साल एज है भाई, सेकेंड के लिए 6 से 8 है, यहाँ पर पूरी दे रखी है भाई एज के लिए जो भी आपकी अपडेट है। और यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ दे रखी है कितनी होनी चाहिए और बिल्कुल डिटेल से जो नोटिफिकेशन है आपका एडमिशन के लिए, इसमें कुछ चेंज किया गया था वो सारा इसमें चेंज कर दिया गया है। यानी इसमें जो इनका कहना है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्या क्या पॉइंट ये बोलना चाह रहे हैं इसके अंदर है। ठीक है, तो जो आपकी सेना है वायुसेना नेवी है या आपकी जो तटरक्षक बल है उसमें जो आपकी 10वीं और 12वीं जो कक्षा है उसको छोड़कर केवीएस के अंदर 6 बच्चे हैं यानी 6 स्टूडेंट की नेम है वो यानी सिफारिश कर सकते हैं। और आगे अगर बात करें भी जो केवीएस एम्प्लॉई है ठीक है, केवीएस के अंदर जो सेवारत कर्मचारी है उनके जो बच्चे हैं भाई वो किसी भी समय प्रवेश के लिए विचार कर सकते हैं ठीक है। और इसके बाद में अगर बात करें भाई जो आपके जिनके पास क्या परमवीर चक्कर है, महावीर चक्कर, वीर चक्कर है, अशोक चक्कर है, कीर्ति चक्कर, शौर्य चक्कर ठीक है, या सेना का मेडल है या नौसेना का मेडल है ठीक है, तो वो भी इसमें सिफारिश कर सकते हैं। और पुलिस के अंदर जो भी मेडल है उसके लिए भी आपके जो बच्चे हैं उनके लिए कोई सिफारिश है वो की जा सकती है। और आगे अगर बात करें इसमें तो भारत में भाई कहीं भी अगर केवीएस विद्यालय है तो उसके अंदर क्या है 60 यानी प्रवेश यानी 60 के जो एडमिशन है वो केंद्रीय विद्यालय में और 15 प्रवेश यानी केवीएस मुख्यालय के द्वारा जो प्रत्येक वर्ष विदेश मंत्रालय है उनके लिए जो कर्मचारी है काम कर रहे हैं उनके लिए जो है दिया जाएगा ठीक है। 15 प्रवेश जो है अभी आपके हॉस्टल की फैसिलिटी है उसके लिए ठीक है। और कोरोना के कारण जो अनाथ बच्चे हो गए थे और पीएम केयर्स जो फंड वाला जो सिस्टम है उसकी वजह से उनको एडमिशन दिया जाएगा। और जिला अधिकारी है उस वो भी 10 बच्चों की जो सिफारिश है वो कर सकता है। और प्रति क्लास की अगर बात की जाए यहाँ पर तो 2 कैंडिडेट है वो सुझा सकता है ठीक है। बाकी गाइडलाइन आप सभी को पता है। और यहाँ पर राष्ट्रपति पुरस्कार ये जो मेन पॉइंट जो ज़्यादा थी वो मैंने आपको बता दी ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें अपन ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे क्योंकि 18 पेज की जो पीडीएफ यहाँ पर शो हो रही है ठीक है। तो इसमें बाकी क्या है, एडमिशन फॉर वार्ड्स है, आर्मी एंड पैरा मिलिट्री फोर्स है ये दे रखा है, यानी जो टोटल इसमें दे रखा है इन बच्चों का एडमिशन होगा। और कहीं भी इसमें एमपी कोटा जो है उससे समेत कई जो ऐसे कोटे हैं जिनका जिक्र इस जो नोटिस में नहीं दिया गया है, जो नया नोटिस एडमिशन के रिगार्डिंग केवीएस ने जारी किया है। तो इसमें अगर आगे बात करें पॉजिटिव बात अगर हम करें तो जो एमपी कोटा है ठीक है तो उसको यहाँ पर इसमें नहीं दिया गया है। इसमें नहीं दिया गया इसका मतलब हो सकता है अभी आगे जिस भी वर्ष प्रवेश के लिए प्रक्रिया होगी उसमें एमपी कोटा को मेरे हिसाब से कैंसिल कर दिया गया हर बार के लिए, क्योंकि ये जो नई दिशा निर्देश है केवीएस के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। और ये भाई 25 तारीख का जो नोटिस है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 25 तारीख को ये नोटिस जारी किया गया था, आज है आपकी 26 अप्रैल ठीक है। पूरी डिटेल इसमें दी गई है और जो एज वाला है वो तो आपका जो मुद्दा है वो बिल्कुल सॉल्व आउट हो गया भाई, एज बिल्कुल 6 साल रहेगी, 6 साल से कम में नहीं होगी ठीक है। तो ये दिशा निर्देश के अंदर जो जो बात थी मेन वो मैंने बता दी। अब बात करते हैं
भाई जो आपकी क्लास वन का जो रिजल्ट है यानी लॉटरी सिस्टम है वो लेट क्यों चल रहा है। तो यही कारण है भाई KVS अभी जो आपके अपना जो एडमिशन प्रोसेसर है उसमें कुछ बदलाव कर रहा है, ठीक है। इस वजह से जो आपकी लॉटरी सिस्टम है वो लेट चल रही है, और कहीं कहीं जो आपके पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया था उनके पास आईडी पासवर्ड अगर ओपन करते हैं तो उसमें भाई 29 तारीख है वो शो हो रही है, ठीक है। वो मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी तो वो शो हो रही है। तो उसमें क्या है अभी तक कन्फर्मेशन KVS की तरफ से नहीं आया, ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया, ठीक है। और KVS से मैंने पता किया तो भी उन्होंने यही कहा भाई हमने अभी तक ऊपर से कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है भाई आप लॉटरी है वो जारी करें फर्स्ट क्लास की। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है भाई तुरंत आप सभी के साथ शेयर कर देंगे। इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। और ये जो आपका सर्कुलर वाला ऑर्डर है ये अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिलेगा, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आप दोनों ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर इससे रिगार्डिंग जो भी पोस्टें होती है वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। आगे आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे ही लॉटरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आती है वैसे के साथ शेयर हम आपके साथ कर देंगे, ठीक है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए क्या है एक लाइक और एक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और अपने जो जानकार है जो KVS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उनसे भी आप सब्सक्राइब हमारा चैनल करवा सकते हैं। धन्यवाद।